इस गैप्स वाले स्क्वायर नॉट के लिए हमें 4 स्ट्रैंड्स चाहिए, इसीलिए लार्क्स हेड नॉट बनाना शुरू करें। 4 स्ट्रैंड्स के लिए हमें ऐसे 2 लार्क्स हेड नॉट्स बनाना होगा। अन्य उपयोगी डिटेल्स और लार्क्स हेड नॉट को सबसे जल्दी बनाने के तरीकों के लिए ऊपर के आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। बीच के दोनों स्ट्रैंड्स फिलर कॉर्ड्स हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। काम करते वक्त इन्हें एक ही कॉर्ड समझें और बाहरी दोनों स्ट्रैंड्स को वर्किंग कॉर्ड्स। स्टार्ट करने के लिए किसी भी साइड का वर्किंग कॉर्ड लें। मैं राइट से स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ इस तरह से बनाएं जो नंबर 4 के समान हो। लेफ्ट वर्किंग कॉर्ड को 4 के निचले हिस्से के ऊपर रखें। फिर साथ में रहने वाले बीच के दोनों फिलर कॉर्ड्स के नीचे से होते हुए राइट साइड में बने लूप से बाहर निकाल दें। टाइटली पुल करें और एक साथ सिक्योर कर दें। ये स्क्वायर नॉट का आधा हिस्सा है। दूसरे आधे भाग के लिए सेम चीज दूसरे लेफ्ट साइड में दोहराएं। अब लेफ्ट वर्किंग कॉर्ड को नंबर 4 में सेट करें और राइट वर्किंग कॉर्ड के नीचे से ले जाएं। सेम यही राइट वर्किंग कॉर्ड फिलर कॉर्ड्स के नीचे से होते हुए लेफ्ट साइड में बने लूप से बाहर निकाल दें और टाइटली सिक्योर करें। अब ये एक कंप्लीट स्क्वायर नॉट है। एक बेसिक गैप्स वाले स्क्वायर नॉट के लिए बस एक स्क्वायर नॉट बन जाने पर थोड़ा स्पेस छोड़ना होगा। इसीलिए जब सेकंड वाला हाफ स्क्वायर नॉट टाइटन करें तो याद से उसे पूरा टाइट ना करें। पहले और दूसरे स्क्वायर नॉट के बीच में थोड़ा गैप जरूर रखें। इसी तरह सारे स्क्वायर नॉट्स के बीच में ऐसे गैप्स रखें। ऊपर से नीचे तक इस बात का ध्यान रखें कि सारे गैप्स ऑलमोस्ट सेम लेंथ के हों। गैप्स को लिटरली मेजर करने की जरूरत नहीं। मैं तो इसे करते वक्त बस अंदाजे से ही कर रही हूँ। ये बहुत आसान है। एक बार घर पे खुद से ट्राई करें, जरूर कर पाएंगे। किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजिंग लगे या डिफिकल्टी हो तो वीडियो पॉज करके दोबारा ट्राई करें। डोंट वरी, शुरुआत में दिखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, कीप ट्राइंग। जब तक आपको सिर्फ इस पे फोकस ना करते हुए मल्टीटास्क भी कर सकते हैं अपना फेवरेट सीरीज देखते हुए। बट ट्रस्ट मी, काफी थेरेप्यूटिक है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।